प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज आलू खुरमा बनाएंगे। आलू खुरमा बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, 4 आलू को धो के बॉयल करके छिलका उतार के काट के लिया है, टमाटर, नारियल, हरी धनिया, अदरक, तेज पत्ता, स्वाद अनुसार नमक, दालचीनी, लवंग, कड़ी पत्ता, राई, ऑयल, ग्रीन मिर्ची, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, खसखस, थोड़ा सा बुगरा, छोटी कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ, मिर्ची, अदरक, दालचीनी, लवंग, इसको थोड़ा भून लेंगे ऐसा। खुशबू अच्छा रहता है भून के डालने से, इसलिए भून के डाल रही हूँ। अभी मिक्सी जार में खसखस, बुगरा, धनिया, ये भून के जो रखा है ना उसको डाल रही हूँ, अदरक, मिर्ची, दालचीनी, लवंग, नारियल, इसको नाइस पेस्ट कर लेंगे, देखिए ऐसा। अभी इसी में टमाटर डाल रही हूँ, इसको भी पीस लेंगे। अभी एक कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ, राई, हींग, कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी। अभी जो पीस के रखा है ना मसाला उसको भी इसी में डाल रही हूँ। ये थोड़ा ऐसा भून लेंगे, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। अभी आलू जो काट के रखा था ना वो आलू भी इसमें डाल रही हूँ। अभी ये थोड़ा बॉयल होने देंगे। थाली बंद करके 5 मिनट बॉयल करेंगे। देखिए आलू खुरमा रेडी हो गया है। ये चपाती के साथ, इडली के साथ, पूरी के साथ, चावल के साथ अच्छा रहता है। अभी इसको सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। गार्निश के लिए धनिया डाल रही हूँ। देखिए आलू खुरमा रेडी।